नमस्कार, मैं इंडिया डिबेट के साथ आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा आज स्क्रीन दिखला रहा है आपको, चमकते अस्पताल और दवा वाले कैसे लूट रहे हैं आपको, ये बात आज आपको समझना पड़ेगा। और इसके सहारे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में जो आपकी समझ है, आज इस विषय के साथ हम ये डिबेट ओपन करना चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इतिहास में झांकने की कोशिश करेंगे कि ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, ये इनहेरेंटली फ्लॉड है, इनहेरेंटली इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, या ये साइंस तो ठीक है लेकिन इसके जो इनोवेटर थे वो उसमें गड़बड़ियां थी, वो बेईमान थे, वो भ्रष्ट थे, वो मोनोपोलिस्ट थे। आज इस सब पर बात करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत एक वीडियो से कर रहा हूं। मेरा मानना है कि ये वीडियो आपने पहले भी देखा होगा और ये सोशल मीडिया पे वायरल भी रहा है, लेकिन इस वीडियो को बहुत गंभीरता से आप देखिए, सुनिए। ये वीडियो हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है कि किस प्रकार से मॉडर्न मेडिकल साइंस मेडिसिन के नाम पे, उसके MRP के नाम पे किस प्रकार का गोरख धंधा कर रहा है, और उस गोरख धंधे में हमारी पूरी आबादी, पूरा घर, कोई घर बचा नहीं है, कोई घर बचा नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बारे में ना तो हमें जानकारी है, और अगर हम जानकारी ले भी लेते हैं तो दूसरा कोई रेमेडी हमारे पास नहीं है, और अगर रेमेडी है तो उसको प्रचारित प्रसारित कौन करेगा ये पता नहीं है, क्योंकि पिछले 100 वर्षों से हमने तो सिर्फ यही जाना है कि ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो हर चीज का रामबाण है, हर बीमारी का रामबाण है। लेकिन इस बीमारी के रामबाण के पीछे की कहानी, ये जो नैरेटिव बना कि मॉडर्न मेडिकल साइंस आपकी बीमारी का रामबाण है, उस नैरेटिव के पीछे एक बहुत बड़ा बाजार छिपा हुआ है, और उस बाजार की वानगी क्या है वो इस वीडियो से आपको पता चलेगा। इस वीडियो में एक पीड़ित हैं जो आपको बता रहे हैं कि कैसे आज के अस्पतालों में इलाज चल रहा है और दवा के नाम पर किस प्रकार से लूट मची हुई है। एक एक दवा की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो 91% तक उस कॉस्ट में आपको छूट दिया जा सकता है, दिया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1,000 रुपए का कोई दवाई है तो आपको 900 से अधिक छूट मिल सकती है, लेकिन लिखा हुआ है उसके ऊपर कीमत 1,000 रुपए और छूट आपको 900 रुपए, मतलब 100 रुपए में आप दवा ले जा सकते हैं। अब अगर किसी दुकानदार का मन ये कह दे कि नहीं, हम आपको छूट नहीं दे पाएंगे और इस दवा पर लिखा हुआ है 1,000 रुपए कॉस्ट, तो आपको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, और आप 1,000 रुपए देंगे नहीं, देते आ रहे हैं नहीं, 100 साल से भी ज्यादा समय से हम ये पाप करते आ रहे हैं, लेकिन कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। देश की मीडिया चुप, देश की राजनीतिक पार्टियां चुप, ब्यूरोक्रेसी इसमें हैंड इन ग्लोव है, और डॉक्टर्स उन्होंने अपने जमीर को मार दिया है, खत्म कर दिया है अपने जमीर को, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इस पर सवाल उठाया तो जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस है उससे हमारी रवानगी हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उनमें, उन डॉक्टरों का कोई दोष नहीं है, उन डॉक्टरों ने तो अच्छी पढ़ाई की थी और वहां पर मेडिकल साइंस में जो इनोवेशंस हुए हैं वो पढ़ाई उन्होंने की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि कब उनकी पढ़ाई इस फार्मा माफिया के चंगुल में जाके फंस गई और अब फार्मा माफिया के चंगुल से निकलना
मुश्किल है।